हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। आज हम बनाएंगे पिज्जा कप। सुबह की बची हुई रोटी से ये पिज्जा कप बनाएंगे। पिज्जा कप का ये हेल्दी वर्जन छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपके घर में किड्स पार्टी है तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। चलिए पिज्जा कप बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सुबह की बची हुई रोटी ली है, इसको हम राउंड में कट कर लेंगे। किसी भी शार्प शीट से आप इसको कट कर सकते हैं। और इस तरह से सारी रोटी हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी रोटी को राउंड में कट कर लिया है। चलिए अभी पिज्जा कप बनाने के बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक कैप्सिकम, एक टमाटर, एक अनियन फाइनली चॉप करके लिए। स्वीट कॉर्न को मैंने सॉल्ट डाल के बॉईल करके ले लिया। मोजरेला चीज, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ओरेगानो, 1 टेबल स्पून मेयोनीज, 1 टेबल स्पून पिज्जा सॉस। यहाँ पे मेयोनीज और पिज्जा सॉस मैंने घर पे बनाया है। अगर इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ऑयल, ऑलिव, अगर आपके पास ऑलिव है तो लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सॉल्ट, टोमेटो केचप और जो हमने राउंड में कट करके रोटी ली थी वो लिया है। चलिए बना लेते हैं पिज्जा कप। पहले हम पिज्जा कप के लिए टॉपिंग प्रिपेयर कर लेंगे। एक बाउल लिए, कॉर्न ऐड करेंगे, टमाटर, अनियन, कैप्सिकम, पिज्जा सॉस, मेयोनीज, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, सॉल्ट हम एकदम कम डालेंगे। मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, हमारा टॉपिंग प्रिपेयर हो गया है। चलिए पिज्जा कप बना लेते हैं। पहले हम सारी रोटी पे टोमेटो केचप लगा लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से सारी रोटी पे लगा लेंगे। सारी रोटी पे मैंने टोमेटो केचप लगा लिया है। आपे पात्र लिए, सारे में दो दो ड्रॉप जितना ऑयल डाला है। रोटी रख देंगे इस पर। इस तरह से रोटी को अरेंज कर लेंगे। रोटी को अपने पात्रों में अरेंज कर लिए, टॉपिंग रखेंगे ऊपर से। इस तरह से सारी रोटी पे ये टॉपिंग रख देंगे। अभी ऊपर से चीज डालेंगे। चीज आप आपकी चॉइस से थोड़ा कम और ज्यादा भी ले सकते हैं। ऑलिव रखेंगे, चलिए अभी इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे, स्लो फ्लेम रखेंगे, इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको बेक कर लेंगे। हमारा चीज भी मेल्ट हो जाएगा और नीचे से पिज्जा कप एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। 3 मिनट हो गए, चेक कर लेंगे। वाव, देख सकते सारा चीज मेल्ट हो गया है और हमारे कप एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको निकाल के सर्व कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स रेडी है पिज्जा कप। तो फ्रेंड्स एकदम सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी और यमी यमी ऐसे हमारे पिज्जा कप प्रिपेयर हो गए हैं। ये पिज्जा कप एकदम फटाफट बन जाते हैं। ये पिज्जा कप खा के बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पिज्जा कप आप भी जरूर बनाना, आपके रिव्यूज मुझे जरूर बताना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।